तो ये देखो साइंस में ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आती हैं एग्जाम में, तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर में है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, आपको आनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है Mg प्लस O2 गिव्स MgO। ये एक रिएक्शन भी है जिसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्योंकि यहाँ पर दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि दो रिएक्टेंट है एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। लेकिन ये बैलेंस नहीं है। क्यों नहीं है बैलेंस? क्योंकि एक मैग्नीशियम यहाँ, एक मैग्नीशियम यहाँ, यहाँ दो ऑक्सीजन है और यहाँ एक ऑक्सीजन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे 2 और जैसे यहाँ लगाएंगे 2 यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा ताकि ये दोनों बैलेंस हो सके। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक चीज याद रखनी है कि वो होता है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होता है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, जबकि जो आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो आपका होता है एंडोथर्मिक, क्योंकि किसी चीज को ब्रेक करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है जिसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस पोर्शन से क्वेश्चन इंशाल्लाह जरूर आएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को। तो उसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। वो सीरीज क्या है आपकी? पोटेशियम सोडियम ये सीरीज आपको याद होनी चाहिए। पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है और गोल्ड जो है आपका वो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी जो है पोटेशियम की है। पोटेशियम हर एक एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर सकता है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये याद रखना है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा। मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को। जैसे जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट के अंदर अगर मैं एल्युमिनियम डाल दूं तो आप यहां पर देखो जिंक नीचे है एल्युमिनियम ऊपर है, यानी कि एल्युमिनियम मोर रिएक्टिव है। एल्युमिनियम कैसा है? मोर रिएक्टिव। तो एल्युमिनियम क्या कर देगा? जिंक को हटा देगा, तो ये क्या बनेगा आपका? एल्युमिनियम सल्फेट, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके अलावा डबल डिस्प्लेसमेंट में एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, वो याद रखना है। और रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होता है, रिडॉक्स रिएक्शन जिसके अंदर रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है, उसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जिसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों चीजें होती हैं उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहां पर देखो कॉपर ऑक्साइड है, इसको रिएक्ट कराया हाइड्रोजन से और हीट कर दिया हमने। हीट करते ही क्या हुआ? कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन गया, हाइड्रोजन से वाटर बन गया। तो यहां पर आप देखो H2 में क्या ऐड हो रहा है? ऑक्सीजन। तो इसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। और यहां पर देखो ऑक्सीजन निकल रहा है, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो इसे हम कहेंगे रिडक्शन। और क्योंकि ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीजें हो रही हैं, तो इस वजह से हम इसे रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। इस चैप्टर में एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं हम रेस्पिरेशन को? रेस्पिरेशन को हम क्यों कंसीडर करते हैं एक्सोथर्मिक? क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंदर से हीट रिलीज होती है, इसलिए रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंसीडर किया जाता है। अब एसिड बेस और सॉल्ट में आपको ये याद रखना है, जब एसिड को बेस से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, हमेशा याद रखना। और मैंने आपको ये चीज याद भी कराई थी कि एसिड्स और बेस को हम कैसे कर सकते हैं डिफरेंशिएट। जैसे जो मेटेलिक ऑक्साइड होती है उसका नेचर होता है बेसिक, मोबाइल से याद कराया था आपको, मोबाइल मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? बेसिक। तो इसको एसिड से जब रिएक्ट कराएंगे तो आपका सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। क्यों? क्योंकि मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर था आपका बेसिक, बेसिक को एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर। दूसरा एक चीज और याद कराई थी, देखो एक मोबाइल होता है नोकिया का, यानी कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स का नेचर होगा एसिडिक, तो इसको जब बेस से रिएक्ट कराएंगे तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। ये चीज याद रखना, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ सकता है। और पीएच स्केल से क्वेश्चन जरूर आएगा आपका। पीएच स्केल ऑर्डिनरी स्केल होता है आमतौर पर जिसे इस्तेमाल किया जाता है, 7 पर न्यूट्रल होता है, 14 पर और 0। 7 इसका न्यूट्रल।